नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है मुलाकात, लंबी मुलाकात चली है, क्या जानकारी है इस बारे में सीधे रुख करते हैं। रीमा पराशर हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही है। रीमा, कुछ पता चल पाया है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए अंजना, जाहिर तौर पर ये जो मुलाकात रही 45 मिनट तक जो चली है, लंबी मुलाकात रही, और नाराजगी तो हम नहीं कहेंगे मुरली मनोहर जोशी की, लेकिन इस बात को लेकर टीज जरूर है कि सरकार में उनका कोई रोल नहीं है, ना वो मंत्री बनाए गए हैं, तो अब आगे उनका भविष्य क्या होगा, ये तमाम बातें रही अपनी जो उनकी ये जो टीज थी उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने रखी है, और अब भविष्य में क्या उनकी राजनीति रहेगी और किस तरह का उनका रोल रहेगा सरकार से बाहर, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, 45 मिनट ये बात चीज चली है रीमा, तो कुल मिलाकर यही माने कि नरेंद्र मोदी के सामने दुखड़ा रोया एक तरह से। मुरली मनोहर जोशी एक वक्त पर इतने नाराज थे, अड़े हुए थे अपने स्टैंड पर, लेकिन अब वो भी समर्पित हो गए एक तरह से, प्रधानमंत्री के पास गए और कहा कि बताइए आगे की राह। बिल्कुल, देखिए अब आगे की राह ही देखनी पड़ रही है मुरली मनोहर जोशी को, क्योंकि स्पीकर को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए कि क्या उन्हें अब लोकसभा का स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद सुमित्रा महाजन का नाम सामने आ गया, और अब क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा कहीं का, या फिर कि आगे उनका भविष्य किस तरह से अब नरेंद्र मोदी देखते हैं, ये वो तमाम सवाल रहे जो मुरली मनोहर जोशी के दिल में थे और इन सब पर चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीमा पराशर। एक वक्त पर अड़े हुए थे अपने स्टैंड पर, देखिए राजनीतिक भविष्य की चिंता।